देखिए आपका जो प्रस्ताव है, आपके प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं। आपका आधा नहीं पढ़ सकते, आप प्रस्ताव को पूरा पढ़ेंगे। That is in context with price of sugar cane only. We'll hear his answer regarding sugar cane only. Nothing else. Okay, you want, don't listen. Yes. आपने साफ लिखा है इसके बाद, the government is aiming to double the farmers' income by 2022. But as per its performance in the past 5 years, it does not seem anywhere close to its target. मुझे इसका जवाब तो देना है। दलाल साहब। No. Double the farmer income. Farmer income. फार्मर इनकम, किसान की आमदन दुगुनी करनी, गन्ने का रेट दुगुने करने की बात नहीं है। वो बताना तो पड़ेगा। किसान की टोटल आमदन दुगुनी करनी, हमने दुगुने। अब वो किस तरीके से होगी तो कृषि मंत्री जी बता रहे। चलिए दलाल साहब पढ़िए, आगे बढ़िया, उसके बारे में मंत्री जी बता रहे आपसे कि आपने जो प्रश्न किया ना के गन्ने की प्रश्न की जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय स्पीकर सर। चलिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए प्लीज भारतीय हमारी सरकार जो है रिप्लाई कृषि संकल्प पर, और हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। आप किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? किसानों की बात सुनना नहीं चाहते, पूरे किसानों की बात कर रहे हैं आप। किसानों की बात सुनना नहीं चाहते, किसानों की बात, किसानों को फायदा कैसे होगा सुनना नहीं चाहते। देखिए रिप्लाई, आप किसान कैसे किसान हैं, तैसे किसानों के फायदे की बात नहीं सुनना चाहते आप। देख आप किसान कैसे होने का डोंट करें, आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कदम उठाए, किसान को रेट नहीं चाहते जानकारी। आप ही की सरकार का पता चलागा कि आपने तो रेट कम भी करे, जब सारा इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि आप सवाल है। या कंटिन्यू करिए, मेरी बात सुनिए स्पीकर सर। स्पीकर सर, आप इसका मतलब ये है कि जो आपने प्रस्ताव भेजा है उसको पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं है। साइन कर दिया आप। हाँ जी, नहीं अनपढ़ नहीं, मैं नहीं कह रहा पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। हाँ जी, पूरा पढ़ लीजिए। चलिए अली दलाल साहब सर, हमने पूरे, हमने किसानों की आय बढ़ाने का, पूरे हर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें गन्ना किसान भी शामिल हैं, और 100% में से 3.1% जमीन पे गन्ना किसान है, बाकी के 96.9% दूसरे किसान भी हैं। सभी की आमदनी बढ़ाने के लिए हमारी सरकार लगी हुई है, वो आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम कर रहे हैं। 2013-14 में बाजरे का MSP 1250 रुपये पर क्विंटल था, जो 2019-20 में 2000 रुपये क्विंटल हो गया, 60% का हमने रेट बढ़ाया है। 2013-14 में चने का MSP 3100 रुपये था, जो अब बढ़ के 4875 रुपये हो गया, 57.25% बढ़ गया है। सरसों का MSP 3050 रुपये था, जो 4425 रुपये हुआ है, मूल्यों में 45.08% बढ़ाई हुई है। तिलन और दालों में भी हमने जबरदस्त बढ़ोतरी की है। हमारी सरकार ने साल 2019-20 में किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई 6.13 लाख मीट्रिक टन सरसों को पूरी मात्रा में खरीदा गया है, जबकि भारत सरकार ने PSS के तहत केवल 2.51 किसानों की मीट्रिक टन की स्वीकृत की है। हमारी सरकार ने विपणन सीजन 2019-20 में 13,150 की खरीद की है। हरियाणा राज्य में उनको पहली बार 2000 क्विंटल चना खरीदा गया है। किसानों द्वारा मंडी में लाई गई 3.10 लाख मीट्रिक टन बाजरा की पूरी मात्रा हमने खरीदी है। राज्य सरकार द्वारा इन फसलों की खरीद पर बिना PSK भी 105 रुपए की घाटा पूर्ति की गई है। ये आपने मलिक साहब पढ़ा नहीं है, और हमारी सरकार आपके 2014-15 तक 5,234 रुपए की ट्यूबवेल में सब्सिडी देती थी, जो आज के दिन 7,139.72 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हमने किसान से लगभग 600 करोड़ रुपए लिया,
2098 करोड़ रुपए का मुआवजा हमने वितरित किया है आपके सरकार ने मानदर किसानों के 4 लाख किसानों को किया है। प्रदेश में 1974 से लेकर 2014 तक 656,620 अपनी सीट पर चले जाइए। ड्रिप इरीगेशन में था उसको बढ़ा के हमने 7,60,000 एकड़ किया गया है। अपनी सीट पर जाइए। देखिए भारत सरकार ने इसी महीने में 2 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था की गई है। आप लोगों के टाइम पे को बेचा गया और हमने शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाई है। आप अपनी सीट पर जाइए, अपनी सीट पर जाइए। देखिए देखिए आप अपनी सीट पर, आप अपनी सीट पर चले जाइए, आप अपनी सीट पर चला जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, हाँ बिल्कुल, जो आपने लिखा है हाँ जवाब, पूरे प्रदेश का जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलो, प्रदेश का आप बैठेंगे तभी तो आएगा ना, आप बैठेंगे तभी आएगा। आप ये मान लीजिए, ये आड़ी पड़ेगी, अगली बार लगा लो प्रस्ताव बनाया इसको वापस ले लो, आपको अगली बार काल टेंशन दूसरा काल टेंशन दे दो। आपको अपने प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है, पूरी तैयारी के साथ आया करें, पूरी तैयारी आप ये जो लिखा है सुना दो, आप अपनी सीट पर, सीट पर, सीट पर जाइए। आप गन्ने पर ही होगा, आप बैठिए। आपको देखिए आपका जो प्रस्ताव है, आपके प्रस्ताव का जवाब दे रहे हैं। आप अपनी सीट पर बैठ, देखिए आप अपनी सीट पर बैठिए, आप अपनी अपनी सीट पर जाइए प्लीज। देखिए मुझे आप बैठे गन्ने, हाँ गन्ने पर ही देंगे जवाब। चलिए आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आपको सुकुंतला जी पता तो है नहीं क्या लिखा हुआ, आप क्या लिखा हुआ इसमें, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा आप केवल गन्ने पे काल टेंशन लेके आओ, आपने आपने देखिए देखिए आपने देखिए बिल्कुल है, पर जो आप लिख करके देंगे वही जवाब मिलेगा, जो आपने लिखा हाँ हाँ दिलाएंगे। चलिए अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी मैं चलिए 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 जब प्रस्ताव